खबर थाना सुजोली क्षेत्र अंतर्गत है, जहां बीती रात चोरों ने एक युवक के घर घुसकर 3 लाख की चपत लगा दी। थाना सुजोली अंतर्गत विष्णु टांडा गांव निवासी निर्मल पुत्र महादेव अपने घर में सोए हुए थे। घर में चोर घुसे और वहां रखे जेवर, कीमती सामान व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। युवक काफी गरीब था, उसने अपना मकान बनवाने के लिए भूमि बेचकर नकदी इकट्ठा की थी। अचानक इतनी बड़ी रकम चोरी हो जाने के बाद युवक काफ़ी परेशान है। थाना सुजौली में तहरीर दी गई है। थाना अध्यक्ष सुजौली सौरभ कुमार ने कहा कि तहरीर मिलकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, तत्काल चोरी का खुलासा किया जाएगा। इसके अलावा नानपारा लखीमपुर नेशनल हाईवे पर सोतिया नाला पुल धंसने से हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें कि थाना मोतीपुर अंतर्गत जालिम नगर पुलिस चौकी के समीप गुड़ चौराहा है। गुड़ चौराहा से थोड़ा आगे एक सोतिया नाला पुलिया है। इस पुलिया पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढा इतना बड़ा था कि अगर समय रहते पता न चलता तो हो सकता है बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। उपजिलाधिकारी मिहिंदपुरवा संजय कुमार ने घटना की गंभीरता को समझा। उन्होंने तत्काल सक्षम अधिकारियों को सुतिया नाला पर बने गड्ढे पर बैरिटेकिंग कराने के आदेश दिए। 2 महीने से चुनाव का शोर सबके सर चढ़कर बोल रहा था। अब लगभग चुनाव जब समाप्ति की ओर हो गए हैं, 5वां चरण सिर्फ शेष है। अब मतगणना की तैयारी भी जोर शोर से जारी है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मतगणना के लिए लगभग 88 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न कर दिया गया। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए इन मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण किया गया है। ये मास्टर ट्रेनर मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर व मतगणना सहायकों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि चुनाव की मतगणना सकुशल संपन्न हो जाए। इसी तरह खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य जनहित मुद्दे पर या जनहित खबर में आपके पास। तब तक बने रहिए जंगल वाइस के साथ। धन्यवाद।